भारतीय रेलवे को बुनियादी ढांचे को विकास की गति तेज हुई है। आदरणीय सभापति जी, मैं हमारी पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से ही ये संभव हो पा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के निर्देशन में रेलवे द्वारा देश भर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और इसके लिए नए ट्रैक्स का भी निर्माण किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन का डेवलपमेंट, वंदे भारत, अमृत भारत जैसे नई ट्रेनों के संचालन में अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सभापति महोदय, रेलवे बजट 2004 से 2014 तक जो ग्रॉस बजटरी एलोकेशन 1,56,739 करोड़ रुपया था 2004 टू 2014 तक, वही आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से 2024 के दौरान यह बढ़कर 8,25,967 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि वर्ष 2024-25 में रेलवे के विकास के लिए 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। माननीय सभापति महोदया, मैं पूर्वोत्तर से बिलोंग करता हूँ। पूर्वोत्तर में आज जो रेलवे नेटवर्क का भरपूर एक एक्सपांशन एक्सटेंशन हुआ है, कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसका अगर किसी को क्रेडिट देना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं देना चाहता हूँ। आज पूरे पूर्वोत्तर आठों प्रदेश रेल से कनेक्ट हो गया है। 100 साल बाद नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है महोदया। ये 55 साल कांग्रेस वाले देश का शासन किया है, केवल 8 में से 7 प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को उन्होंने कर पाया था। 7 प्रदेश पिछले 10 सालों में रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा गया महोदया। ये नरेंद्र मोदी जी का जो एक्टिव पॉलिसी है, पूर्वोत्तर को जो मोदी जी ने अस्तर लक्ष्मी का करार देते हुए नॉर्थ ईस्ट के लिए जो डेडिकेटेडली नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए मोदी जी का जो नीति है और नियत जो है मोदी जी का, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट आज देश का जैस भागों से बहुत अच्छी तरह से आज जुड़ पाया है और रेल नेटवर्क सबसे सेफेस्ट है, सस्ती भी है और रेल नेटवर्क रेल से जो साधारण से आम जो नागरिक है उनका भी वो रेल में ट्रेवल करना उनको ज़्यादा पसंद होता है महोदया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट काफ़ी प्रदेश के साथ काफ़ी जिला रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं गया था। मेरा अपना क्षेत्र महोदया, मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र दरंग उदालगुरी, पहले मंगलदेह हुआ करता था, दरंग उदालगुरी लोकसभा क्षेत्र का जो दरंग है एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उदालगुरी भी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन थोड़ा अच्छी एक महसूस होने के बाद भी, रेल का नेटवर्क बढ़ने के बाद भी थोड़ा मेरा मन में दुख है, मेरा क्षेत्र दरंग को अभी तक रेल मैप में शामिल नहीं किया गया है। आज माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं अश्विनी वैष्णव जी, मैं 3-4 times माननीय मंत्री जी से ये विषय को उठाया है, बात किया है। माननीय मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लिया है और मैं
अभी जो आशा का उम्मीद है, जो किरण ने अभी हमारे साथ आया है, ये अभी मेरा जो लास्ट वेटनेस को मेरा एक सवाल था रेल नेटवर्क का मेरे क्षेत्र में दरंग को, उसमें उन्होंने बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे फॉर न्यू रेल लाइन फ्रॉम आज्ञाथुरी टू डेकरगांव 155 किलोमीटर भाया सिपाजर मंगलदोई खारुपेटिया दलगांव हैज़ बीन सैंक्शन। द फील्ड सर्वे हैज़ बीन टेकन अप फॉर प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके लिए मैं मंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और जल्द ही इस डीपीआर को पूरा करके रेल बोर्ड द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र दरंग को रेल माप में सम्मिलित करने के लिए मैं मांग भी करता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपको ये बताने के लिए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट विशेष करके जो रेलवे नेटवर्क, इसका जो विस्तार है वो कैसे विस्तार हुआ, उसके बारे में थोड़ा दो लाइन दो सेंटेंस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। यह आज़ादी के 70 वर्ष के बाद चारों राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को बड़ी लाइन के माध्यम से रेल संपर्क प्रदान किया गया है। मितरगज थे, ब्रदगज नहीं थे। मितरगज को कन्वर्ट करने का काम किसी सरकार ने पूर्वोत्तर में किया है तो नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने मितरगज को ब्रदगज में कन्वर्शन करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में वही डीजल इंजन चलता था, कोयले का इंजन चलता था रेलवे में। अगर नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइन रेल को रेल में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में, पिछले 8 सालों में हुआ है। महोदया, मैं इसके लिए भी मोदी जी को, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में मेघालय को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिली, मैं बोला हूँ, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हुई है। 2022 में पहली मालगाड़ी मणिपुर के लिए तामेंगलोंग जिला को रानी गाइडेनलू रेलवे स्टेशन पहुंची। ये रानी गाइडेनलू स्टेशन दूसरा स्टेशन है तो इसमें पहुंची भले मालगाड़ी। इसके अलावा हाल ही में भारतीय रेल द्वारा मणिपुर के खोंगसांग तक पहली बार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भेजा गया चावल पहुंचाया गया है। महोदया, मैं पूर्वोत्तर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 29 मई 2023 को शुरू की गई जो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी की को जोड़ती है। 2023 में पहली बार ये वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक शुरू की गई। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि सारे देश में 102 से ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, सभी सुविधाओं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन चलाने का जो एक अच्छा निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये भारत के युगाजुग कम्युनिकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। महोदया, मैं मोदी जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुलेट ट्रेन के लिए जो भी अपने प्लान, जो भी हमारे आगामी योजना है, परियोजना है, वो जल्द ही जल्द इस बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को हम वास्तव में वो कर होकर आए। इसके लिए भी अभी मैं अगली एक अग्रिम शुभकामनाएं माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ। सर्वे करा लिया है जी। माननीय महोदया जी, मैं एक विषय माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ब्रिटिशर्स ने आज़ादी के पहले ऊपरी आसाम में, अपर आसाम में एक रेल लाइन बैठाया था। वो रेल लाइन माकुम से डांगोरी तक 31 किलोमीटर का था। ट्रेन चलती है लेकिन 31 किलोमीटर का ये स्केच, ये रेल लाइन, ये रेल माकुम से
दांगोरी पहुंचने के लिए 3 घंटा लगाती है, 31 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर जो ये मेन जो वो जो गेट होता है वो कहीं पर भी उसका ये नहीं है, मेन गेट नहीं है। तो इसके लिए अनमेन गेट करने के लिए मैं उस जो एक हेरिटेज रेलवे लाइन बोल सकते हैं, वो माकुम से दांगोरी तक उस रेल लाइन को नए सिरे से बनाने का उसमें ज़रूरत होने से RUB ROB जो भी ज़रूरत है उसमें बनाने का मैं माननीय मंत्री जी को मैं अपील करना चाहता हूँ। अध्यक्ष सभापति महोदया, मैं अपील करना चाहता हूँ, देश भर में विस्तारदम ट्रेन का बहुत बड़ा एक क्रेज है। विस्तारदम ट्रेन से भारत के हेरिटेज, हमारे इकोलॉजिकल जो अपने पर्यावरण से के साथ साथ जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी देखने को मौका मिलता है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में विस्तारदम ट्रेन का सेवा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं मंत्री जी को मैं आह्वान करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 2023-24 में रेलवे बजट के लिए नॉर्थ ईस्ट को 10,376 करोड़ रुपए आवंटित किया था, लेकिन 2024-25 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री ने रेलवे द्वारा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के लिए 14,184 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 5,000 करोड़ से भी करीब ज़्यादा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को इस जो हमारे अनाउंस किया है रेल बजट में नॉर्थ ईस्ट के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मैं उनके धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदया, जो नॉर्थ ईस्ट में करीब 96 रेलवे स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस में उसको लिया गया है, अमृत भारत स्टेशन में देश भर में करीब 505 रेलवे स्टेशन 24,000 करोड़ रुपया लगा करके वो विकसित किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने जा रहा है, उसका काम शुरू हो गया है देश भर में। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में 96 ऐसे रेलवे स्टेशन से जो अमृत भारत स्टेशन के अंदर में इसको लिया गया है। मैं मंत्री जी को मैं अनुरोध करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है, नॉर्थ ईस्ट में भी गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, सिलचर है, पूरे अरुणाचल प्रदेश है, सभी नॉर्थ ईस्ट के जो अपने कैपिटल सिटीज है, कैपिटल सिटीज़ को आपको रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए और कई सारे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, जैसे ईटानगर से आपको चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर के आपको बेंगलुरु तक और कई सारे ट्रेन का ज़रूरत है। इसलिए मैं मंत्री जी को अनुरोध करता हूँ, जो अमृत भारत स्टेशन में रंगिया का एक मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रंगिया है, रेलवे डिवीज़न है, वहाँ पर करीब 34 करोड़ का अमृत भारत स्टेशन का नया एक स्टेशन नया सुविधा के साथ निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा उसमें बदलने का आवश्यकता मैं अनुभव करता हूँ। जो वहाँ पर जो एक एक्सीलेटर एक 1224 करोड़ का लेकर के वहाँ एक एक्सीलेटर बनाया गया है, उसको मैं देखता हूँ 34 करोड़ में 24 करोड़ उसी के लिए जांच करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। बाकी और ज़्यादा नहीं बोलना है, सभापति महोदय जी, रेल मंत्री जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में दरंग निश्चित रूप में रेल मानचित्र में शामिल होगा और देश में रेलवे नेटवर्क से हजारों करोड़ों जो आम जनता है उनको और सुविधाएं मिले, जैसे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उतरने का काबिल हो गया है, रेल में हर प्रकार के लोग कृषक से लेकर के जो आम जनता सब लोग रेल में सफर करने को सभी सुविधाओं के साथ उनको मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और नॉर्थ ईस्ट को फिर से रेल मानचित्र में और ज़्यादा जगह मिले, इसके लिए मैं मंत्री जी को फिर से मैं मांग करते हुए मेरा विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वाइकर जी,
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका मिला है। इसके पहले मुंबई के आद्य शिल्पकार, भारतीय रेलवे के जनक, शिक्षण महर्षि, दृष्टि समाज सुधारक, पुण्यलोक नामदार जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर सेठ, उनके 159वीं पुण्यतिथि निमित्त विनम्र अभिनंदन करता हूँ। जिनके वजह से इस हिंदुस्तान में यानी मुंबई में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चलाई गई।